चांद सा रोशन चेहरा देख रहे हो, इतनी चमकती दमकती स्किन देख रहे हैं, ये है कमाल लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस फेशियल किट का। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिशिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिशिका ब्यूटी हब में। दोस्तों, आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस फेशियल। तो ये फेशियल आ जाता है कुछ 5 स्टेप्स में। पहला फेस वॉश है, स्क्रब है, जेल है, पैक है, देन सनस्क्रीन लोशन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला फेशियल है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ट्राई करने के बाद आपको आपकी स्किन बहुत ही खिली और निखरी दिखेगी, जैसा कि मैंने आपको बिफोर में दिखाया है। अब आप आफ्टर में भी देख रहे हैं, अभी इनकी स्किन में कोई शाइन कोई चमक नहीं है। तो मैंने इनके करा है लैक्मे का फेशियल, और इसका मैंने पहला स्टेप करा है, ये है फेस वॉश। इसमें फेस वॉश आता है और आप देख सकते हैं कितना माइल्ड क्रीमी और कितना अच्छा सा है। और मैंने ज़रा सा बस इसमें पानी डाला है और आप इसका माइल्डनेस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो ये स्टेप मैं पूरा इनका कंप्लीट कर दूंगी, कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ देने वाली हूँ खास टिप्स, जो आप फेशियल के बाद इसको कर सकते हैं, तो आपका फेशियल में और भी ज़्यादा चमक आएगी। तो इसका दूसरा स्टेप है स्क्रब का। फ्रेंड्स, स्क्रब हमारे टैनिंग, डेड सेल और हमारे ब्लैकहेड्स को रिमूव करता है। और आपको इसको बहुत जेंटली करना चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों से करना चाहिए। बहुत रगड़ रगड़ के आपको फेशियल में स्क्रब जब भी यूज़ करें तो बहुत रगड़ के इसको आपको अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करना है, आपको बहुत ही जेंटली इसको यूज़ करना है। अच्छा सा टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए। इसमें इस फेशियल किट की खास बात यह है कि आप वो घंटे भर इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है। आप हर स्टेप को 5-5 मिनट दीजिए, 5-5 मिनट में आप अपने इसको रिमूव करते जाइए क्रीम को, और नेक्स्ट क्रीम पे आते जाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना और दिखना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप अभी मेरे इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि मैं जैसे जैसे इनका पहला दूसरा स्टेप करती जाऊंगी, आप इनकी स्किन बिल्कुल निखरती हुई देखते जाएंगे। जैसे मैंने पहला कर था फेस वॉश, अब मैंने करा है स्क्रब। स्क्रब को मैं कर दूंगी रिमूव, और रिमूव करने के बाद देखिए पूरी टैनिंग हट चुकी है। देन मैं करने वाली हूँ जेल। अब इसमें क्रीम नहीं, इसमें जेल दे रखा है। इसका जेल बहुत ही महंगा आता है, जब आप लेने जाते हो आपको 1200 का इसका जेल मिलेगा। इसमें 8 ग्राम की क्वांटिटी वाला मैंने ये फेशियल किट लिया है, बहुत अभी महंगा वाला मैंने इसमें नहीं लिया, सस्ती रेंज का लिया है। लेकिन ये मैंने लैक्मे स्टोर से ही लिया है। लैक्मे का कोई भी प्रोडक्ट खरीदें अगर आप, तो लैक्मे स्टोर से ही खरीदें, क्योंकि आप इधर उधर खरीदते हैं तो आपको वही चीज़ डुप्लीकेट मिलती है, इतनी ओरिजिनल आपको दिखेगी कि आप उसमें डुप्लीकेट और ओरिजिनल में पहचान करना बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो आप जब भी कोई भी ब्रांडेड चीज़ खरीदे तो उसी के स्टोर से जा खरीदेंगे तो आपको उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वरना दाम तो वही लेते हैं लेकिन काम उस तरह का बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए, मैं इनको कर रही हूँ जेल से मसाज। अब जेल से मसाज मैंने करी, आपने पहला देखा था, मैंने पहला स्टेप शुरू करा था तो इनके स्किन पे कोई भी शाइन नहीं थी। अब जैसे जैसे स्टेप्स पूरे हो रहे हैं, फेशियल अपने एंड पर आ रहा है, तो इनका चेहरा अच्छे से निखरता जा रहा है। फोर्थ स्टेप में इसमें दे रही हूँ पैक का। पैक को अच्छे से क्वांटिटी में लेकर मैं इनके स्किन को बिल्कुल अच्छे तरह से लगा दूँगी ब्रश की हेल्प से। और जब ये लग जाएगा पूरा और ये सूख जाएगा, इसको 5 मिनट में सूखने के लिए दूंगी, देन मैं इस पर यूज़ करूँगी सनस्क्रीन लोशन, जो कि इसी में ही दे रखा है। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो आपको इनका रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा। और जो टिप्स है वो ये है कि जब भी आप अपना फेशियल कराएं तो आप कम से कम 1 घंटा अपने गैस की रसोई के पास बिल्कुल ना जाएं, उसमें मतलब काम आपको उतना ना करें, आप अपने आप को 1 घंटा करीबन रेस्ट दें। पानी खूब अच्छी तरह से पिए, जितना अच्छा आप पानी पियेंगे आपका फेशियल का निखार उतना ही अच्छा आता चला जाएगा। और जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको कर दूंगी रिमूव, और रिमूव के बाद आप इनका चेहरा देखिएगा कितना खिला खिला लगेगा। मैंने बिफोर और आफ्टर दोनों ही मैं आपको वीडियो में क्लिप्स लगा दी हैं। तो देखिए, अब इनका मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद आप इनका देख सकते कितना अच्छा चेहरा, भी किसी भी प्रोडक्ट कोई नहीं यूज़ हुआ है मेकअप, और आप इनका चेहरा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओके।